देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV News, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताजा खबरों की नोटिफिकेशन। A1 TV के दफ्तर में लिटिल बॉय फिल्म की स्टार कास्ट पहुंची। फिल्म में लीड कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं एक्टर यजुवेंद्र प्रताप सिंह और एक्ट्रेस रश्मि मिश्रा। दोनों कलाकारों ने फिल्म से जुड़े अपने अनुभव साझा किए हमारे सहयोगी ज्योति राठौर से। हमारे साथ मौजूद हैं लिटिल बॉय के स्टार कास्ट यजुवेंद्र प्रताप सिंह और रश्मि मिश्रा। इनसे हम जानेंगे फिल्म क्या कुछ खास दर्शकों के लिए लेके आई है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, इस फिल्म के ट्रेलर ने ऑलरेडी यूट्यूब पर धमाल मचा दी है और 18 जैन को यह फिल्म आने वाली है, तो इन्हीं से जानते हैं इस फिल्म में क्या कुछ खास रहा। नॉर्थ ईस्ट की एक शख्सियत है जिन्होंने अपनी जिंदगी की शुरुआत बहुत मतलब तकलीफ़ों से की, बहुत तंगदस्ती से की, बहुत मुफलिसी से की, और आज वो अरुणाचल प्रदेश की राजनीति तय करते हैं। और आपका सवाल ये था कि कोई मतलब थिएटर तक कैसे आए, क्या कुछ खास है? हाँ, खास ये है कि ये पहली फिल्म है, पहली हिंदी फीचर फिल्म है जो पूरी तरीके से अरुणाचल प्रदेश में शूट हुई है। पॉलिटिकल ड्रामा है ये, खूबसूरत गाने हैं इसमें, खूबसूरत लोकेशंस हैं जिनको अभी तक एक्सप्लॉइट नहीं किया गया है कैमरे से। जी, तो मेरे ख्याल से इतनी वजहें बहुत हैं। तो जैसे कि सर ने बताया, ये फिल्म पूरी तरह से पहली बॉलीवुड की आप ऐसी फिल्म कह सकते हैं जो अरुणाचल प्रदेश में पूरी तरह से शूट हुई, यानी कि आपको अरुणाचल प्रदेश की खूबसूरती देखने को मिलेगी। और इसी के साथ मैं स्नेहा से पूछती हूँ, जो इनके फिल्म का किरदार का नाम है, उसमें आपका क्या रोल है? आपने एक ऐसी वाइफ का किरदार निभाया, जिस तरह से मैंने आपके बाकी इंटरव्यूज में देखा, जो अपने पति के लिए सब कुछ त्याग कर उनके साथ रहती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे हम लोग हमारी इंडिया की जो औरतों की बात करें, जिस हिसाब से वो अपनी फैमिली को, अपने हस्बैंड को, सबको सपोर्ट करती है, तो सेम कैरेक्टर वैसा ही है। बट इसके अंदर जब आप इसको डीपली देखेंगे, तो इसके अंदर जो स्नेहा का जो कैरेक्टर मैं कर रही हूँ, उनसे मैं मिली थी पर्सनली, बिकॉज ये बायोपिक फिल्म है, और वो लिटरली बहुत स्ट्रांग लेडी हैं, बहुत बोल्ड लेडी हैं। इसके अंदर कई ऐसे सिचुएशन आती है जिसके अंदर उनके हस्बैंड हैं जो कि प्रॉपर तरीके से हेल्पफुल हो जाते हैं, कुछ कर नहीं पाते, तो वो किस तरीके से उनके लिए स्टैंड लेती है, उनको वापस पॉलिटिक्स में लेकर आती है, किस तरीके से उनका सपोर्ट करती है, वो सब बताया गया है। प्लस एट द टाइम एक ही मूवी में वो अलग अलग तरीके से, वो चुलबुली भी है, वो लविंग भी है, वो रोमांटिक भी है, और वो काफ़ी बोल्ड और स्ट्रांग स्टेप भी ले सकती है। तो ये फिल्म, ये तो बिल्कुल नहीं कह सकते, इसमें रोमांस भी होगा, कुछ गाने भी हैं, तो इस फिल्म का म्यूजिक किसने दिया है? इसका म्यूजिक है जो कि अबूजर जी ने दिया है, एंड अराफत अली हैं, उन्होंने इसके लिरिक्स दिए हैं। उन्होंने हाफ गर्लफ्रेंड के लिए अवार्ड भी अराफत जी हैं, जिन्होंने बारिश का सॉन्ग है, आई थिंक महमूद अरफन है। और इसका जो हमारा रोमांटिक सॉन्ग है मुरादों से, जो अभी टॉप 5 में चल रहा है, वो रोमांटिक सॉन्ग है, और काफ़ी रोमांटिक पॉलिटिक लव स्टोरी बोल सकते हैं इसको, बिकॉज इसमें हस्बैंड वाइफ का प्यार भी है, फैमिली भी है, एंड पॉलिटिक्स भी है। लिटिल बॉय फिल्म में यजुवेंद्र के बचपन का किरदार जिन्होंने प्ले किया है, वो अब इस दुनिया में हमारे बीच नहीं रहे, तो उनके बारे में जानते हैं कि इनका क्या कुछ कहना है और कौन सी ऐसी यादें हैं जो इन्हें कभी ना कभी हमेशा उनकी याद दिलाती रहेगी। डोल जी जो है वो एक अनट्रेन्ड एक्टर था, ईटानगर का था, पढ़ाई कर रहा था, और उसकी कास्टिंग याशु, जो हमारी फिल्म की कास्टिंग डायरेक्टर हैं, उन्होंने ही वहीं से की थी। तो अनट्रेन्ड एक्टर कभी कभी बहुत ऑर्गेनिकली बहुत प्यारा काम कर जाते हैं, क्योंकि उनको ये नहीं पता होता कि एक्टिंग के मेथड्स क्या क्या हैं, तो वो जो डायरेक्टर कहते हैं वो एज इट इज़ करते जाते हैं। डोलजी इस मामले में थोड़ा सा गिफ्टेड था, उसने बहुत प्यारा काम किया, बहुत मासूम दिखा वो पूरी फिल्म में, जैसा उस किरदार को होना चाहिए था वो वैसा ही दिखा। बहुत स्वीट बच्चा था हमेशा सेट पर, मतलब मेरा उसका एक भी सीक्वेंस साथ में नहीं शूट हो सकता था क्योंकि मेरे वो बचपन का किरदार कर रहा था, बट जब भी मेरे से वो मिलता था तो हमेशा भैया कैसे हो आप, वो पास में आना और सारी चीज़ें, और बहुत सारी मेमोरीज हैं उसके साथ। जिस दिन हम लोग अरुणाचल छोड़ रहे थे शूटिंग के बाद, तो वो जो मेरा घर दिखाया गया उसमें जितने भी फ्रेम्स थे मेरी और रश्मि की पिक्चर्स जो थी, तो वो सब वो बोला कि क्या मैं इसे ले जा सकता हूँ भैया, और उस पर वो मेरा ऑटोग्राफ लेके गया था। तो अब जब भी इसे याद करता हूँ तो बहुत तकलीफ़ होती है, शायद ऊपर वाले ने उस बच्चे की इतनी उम्र लिखी हो, तो वो हम लोगों के लिए बहुत तकलीफ़दायक है। फिल्म रिलीज़ होने वाली है और एक हफ्ते पहले ही वो हमें इस दुनिया से छोड़कर चला गया, तो ये बहुत हम लोगों के लिए सीरियसली बहुत दुख वाली बात है ये। तो रश्मि, आपकी कुछ यादें उनके साथ जुड़ी होंगी, आप उसी फिल्म का लीड कैरेक्टर प्ले कर रही हैं, और जो लीड कैरेक्टर हैं उनके बचपन का किरदार डोल जी ने निभाया, तो आप
की भी बहुत सारी यादें उनके साथ जुड़ी होंगी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? जैसे कि उनके बचपन का कैरेक्टर था तो उनके साथ कोई सीन मेरा पिक्चराइजेशन नहीं हुआ है, बट हम जब सेट पे काम किया करते थे तो बच्चा आसपास, क्योंकि जैसे कि वो इंडस्ट्री से नहीं है तो एक क्यूरियोसिटी रहती है कैसे क्या काम होता है, और उसका सिलेक्शन भी था तो बहुत प्यारा बच्चा था, ज़्यादा मेरा इंट्रैक्शन उससे हुआ नहीं है, बट बस यही है कि अभी वो हमारे लिटिल बॉय की यादों में है, और हमें दुख इस बात का है कि वो ऐसे मुकाम पे है जहाँ पे हम उसे मिल नहीं पाए, बिकॉज एक प्लान था कि पूरी टीम बैठ के साथ में फिल्म देखेगी, और हमें एक हफ्ते पहले ही पता चला डोलजी का. सो ये लिटिल बॉय फिल्म उस लिटिल बॉय के लिए है, डोलजी के लिए डेडिकेट हम उसे करते हैं ये फिल्म, और उसका बहुत प्यारा काम किया है उसने. और एक्चुअली हम लोग के लिए सब बहुत ज़्यादा शॉकिंग न्यूज़ थी ये, उसका जिस हिसाब से डेथ होना, और दुख इस बात का है कि हम लोग ईटानगर नहीं जा पाए बिकॉज ऑफ प्रमोशंस, क्योंकि अनाउंसमेंट हो चुकी थी, प्रोसेस आ चुकी थी, सारी चीज़ें, तो हम वहाँ भी नहीं जा पाए, उसके लिए तकलीफ है हमें, दुख है उस चीज़ का. बाकी डोलजी हमारी यादों में और लिटिल बॉय के साथ है. तो लिटिल बॉय फिल्म का छोटे बच्चे का किरदार निभाने वाला डोलजी अब हमारे बीच नहीं रहा, लेकिन जैसे कि इन दोनों ने बताया कि वो बहुत ही प्यारा किरदार उन्होंने निभाया, तो आप ये फिल्म देखने जरूर जाएं, और डोलजी के लिए हम सब की तरफ से श्रद्धांजलि. और इसी के साथ मैं ज्योति राठौड़, कैमरा पर्सन नेमीचंद के साथ, एवन जयपुर.